हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। इसके पहले पियाजे मॉरल डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे। पियाजे को फिर मन नहीं लगा तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे वर्क करने लगे और कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। कोहलबर्ग की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, ये पियाजे की नकल नहीं है बल्कि पियाजे की थ्योरी से इंस्पायर्ड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पियाजे का जो मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी है उससे ये इंस्पायर्ड है, उसका नकल नहीं है। ठीक है, तो कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट के थ्योरी को समझने के लिए दो चीज समझना पड़ेगा। एक है मॉरल डेलिमा। मॉरल डेलिमा क्या होता है? मॉरल डेलिमा होता है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा मतलब हमारे सामने दो ऐसी परिस्थिति आ जाना जिसमें चूज करना मुश्किल हो। दो ऐसे रास्ते आ जाना जो जिसमें कि चूज करना मुश्किल हो कि हम कौन सा रास्ता चुने। जैसे कि सपोज कि मान लीजिए आप किसी नाव से कहीं जा रहे हैं। ठीक है, जो नाविक है बस उसी को नाव चलाना आता है। आप हैं, आपका बेटा है और आपके पापा हैं, तीनों जा रहे हैं। आपको, आपके पापा को, आपके बेटों को नाव चलाना नहीं आता, सिर्फ जो नाव चला रहा है उसी को नाव चलाना आता है। बीच में जो है नाविक आपको कह रहा है कि हम लोग का जो वेट है वो ओवर वेट हो गया है, ज़्यादा वजन हो जाने की वजह से अब ये नाव डूब सकता है। तो आप इसमें से क्या करिए, या तो अपने पापा को धक्का देके गिरा दीजिए या आप अपने बेटे को धक्का देके गिरा दीजिए। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति जिसमें आप चूज नहीं कर पाएंगे कि हम किसको धक्का देके गिरा दें, अपने पापा को धक्का देके गिरा दें या अपने बेटा को धक्का देके गिरा दें, तो इसी स्थिति को कहते हैं नैतिक दुविधा, जिसमें कि आप चूज नहीं कर पाते हैं कि कौन सा रास्ता चुने। अब मान लीजिए कि कोई लड़की है, ठीक है, वो चूज करती है कि हम अपने पिताजी को धक्का दे देंगे। ठीक है, चूज की कि अपने पिताजी को धक्का देंगे, तो इसके पीछे फिर वो तर्क देगी। ठीक है, तर्क देगी कि क्योंकि अब तो मेरे पिताजी अपनी जिंदगी जी चुके हैं और 5-10 साल उनकी जिंदगी बची हुई है, तो चलो उनको धक्का दे देते हैं, लेकिन मेरे बेटे की तो अभी पूरी लाइफ बची हुई है। अब मान लीजिए कि कोई लड़की कहती है कि मैं अपने बेटे को ही धक्का दे दूंगी, क्योंकि किसी एक को तो धक्का देना ही है, नहीं तो तीनों ही डूब जाएंगे। तो जो कहेगी कि हम बेटे को धक्का दे देंगे, तो वो अपना तर्क देगी कि मेरा बेटा तो दोबारा हो जाएगा, बेटा तो मुझे फिर से हो जाएगा, लेकिन पिताजी दोबारा नहीं मिलेंगे। यानी कि कोई भी डिसीजन अगर लेगा, कोई भी अगर डिसीजन लेता है, तो डिसीजन लेने के पहले वो क्या करता है, तर्क देता है। जब आप नैतिक दुविधा में फंस जाते हैं, नैतिक दुविधा का मतलब है कि आपको दो ऐसे ऑप्शन आपके सामने आ गए जिसमें से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं, दोनों को चूज नहीं कर सकते, किसी एक को चूज कर सकते हैं, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप दोनों में से किसको चूज करेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा, मतलब ऐसी परिस्थिति आ जाना जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम कौन सा रास्ता चूज करें। जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं और ये आपका ऐसा एग्जाम है कि आपका एज जो है अब ये लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है। अगर आप ये एग्जाम नहीं क्वालिफाई करते तो आपके घर में खाने तक की दिक्कत है। अगर आपको ये नौकरी नहीं मिलती है तो आपको खाने में भी दिक्कत हो जाएगी, खाना खाने में भी दिक्कत हो जाएगी, खाने पर आफत आ जाएगी। और जब आप जा रहे हैं एग्जाम सेंटर तो रास्ते में कोई आदमी है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, वो रोड पर पड़ा हुआ है और कोई आसपास उसको उठाकर ले जाने वाला नहीं है। ठीक है, आप एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं लग रहा है, आप क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में? इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा। या तो आप सोचेंगे जाओ मैं नहीं भी रहती तो भी ये मर जाता, तो इसको मरने ही दो, मुझे अपनी जिंदगी चूज करनी है। या फिर आप कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, बहुत से लोग हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, प्राइवेट नौकरी करके रह लेते हैं, मैं कोई भी नौकरी, लेकिन किसी को मैं मरता हुआ नहीं छोड़ सकता हूँ। तो क्या होगा, आप दो में से अगर कोई भी एक डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे आप अपना तर्क देंगे। ठीक है,
आप अपने पीछे उसके पीछे अपना तर्क देंगे। तो मॉरल डेलिमा क्या हुआ? नैतिक दुविधा जब आपको दो रास्ते में से एक ऐसा डिसीजन लेना है जो लेना आपके लिए काफी मुश्किल हो, आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कि हम कौन सा डिसीजन ले, दोनों ही मुश्किल है, ठीक है? इसी को कहते हैं मॉरल डेलिमा। अब एक चीज जो इसमें और समझना बहुत जरूरी है वो है मॉरल रीजनिंग। मॉरल रीजनिंग, नैतिक तर्क, ये क्या होता है? जब आपके सामने मॉरल डेलिमा आ जाता है, जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप उस में से डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं ये वाला काम करूं या ये वाला काम करूं, और आपको दोनों में से किसी एक को हर हाल में चूज करना ही है, तो उसके पीछे क्या होता है? उसके पीछे आप अपना तर्क देते हैं। मैं अपने पिताजी को बचाऊंगी, तो उसके पीछे आपने तर्क दिया, ठीक है? पिताजी को बचाऊंगी तो उसके पीछे आपने तर्क दिया कि बेटा तो मुझे दूसरा भी हो जाएगा। मैं अपने बेटे को ही बचाऊंगी, पिताजी को धक्का दे दूंगी, तो उसके पीछे भी आपने तर्क दिया कि अब तो मेरे पिताजी ऐसे भी 5-10 साल जीते, पूरी जिंदगी तो वो अपनी जी ही चुके हैं, मेरे बेटे की बहुत लाइफ अभी बची हुई है। तो ये होता है तर्क। जो भी आप डिसीजन लेते हैं, कोई भी इंसान कोई भी डिसीजन लेता है तो उसके पीछे उसका तर्क होता है, ठीक है? तो जब एक बच्चा कोई डिसीजन लेता है तो उसके पीछे जो तर्क होता है वो बच्चे की सोच के आधार पर होता है। जब कोई एडोलोसेंट डिसीजन लेता है तो उसके पीछे जो तर्क होता है वो उसके सोच पे निर्भर करता है। जब कोई अडल्ट डिसीजन लेता है तो ये उसके सोच पर वो अपने हिसाब से तर्क देता है। तो हर इंसान के डिसीजन के पीछे क्या होता है? उसका रीजनिंग होता है, ठीक है? मॉरल रीजनिंग क्या हुआ समझ में आ गया? मॉरल डेलिमा क्या हुआ समझ में आ गया? अब हम जानेंगे कि हिंज डेलिमा क्या है, ठीक है? तो कोलबर्ग ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया था, कुछ बच्चों को लिया था, उनको एक जगह रखा था, उनको कुछ सिचुएशन दिया था, कुछ परिस्थिति बताई थी, कुछ कहानियां सुनाई थी, उसके आधार पर उन्होंने एक एक बच्चे से पूछा था कि इस परिस्थिति में तुम क्या डिसीजन लोगे। तो उसी जो उन्होंने कहानी सुनाई, जो उन्होंने नैतिक दुविधा बच्चों के सामने रखी, उसी में एक जो सबसे फेमस है वो है हिंज डेलिमा, ठीक है? हिंज डेलिमा क्या है? हिंज नाम का एक आदमी है, ये कोहलबर्ग ने जो बच्चों को सुनाया वही स्टोरी है ये। हिंज नाम का एक आदमी है जिसकी पत्नी जो है वो बीमार है, उसको ऐसी बीमारी है जिससे कि उसकी जान जा सकती है, जान जान नहीं सकती, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो जान ही जानी ही है, जान जाएगी, ठीक है? और उसकी जो दवाई है, पहले जमाने की बात है, दवाई हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल नहीं है, एक मेडिकल स्टोर में है जो कि वही उस दवाई को बनाता है, वही बनाता है और वही बेचता है। तो हिंज उसके पास अपनी वाइफ के लिए दवाई लाने जाता है, वो केमिस्ट जो है वो उस दवा की कीमत जितनी की उसको लगाने में लगी हुई है उससे काफी ज्यादा मांग रहा है, ठीक है? हिंज जो है वो कहता है कि तुम मुझे दवाई दे दो नहीं तो मेरी वाइफ मर जाएगी, लेकिन वो नहीं देता है। और फिर क्या होता है, हिंज जो है वहीं पर रहता है, उसको पता चलता है धीरे धीरे कि ये जो है वो छुप कर रहता है, उसको पता चलता है कि इसने जो मुझसे दवा की कीमत मांगी है वो इसकी जो इसने कीमत लगाई या कॉस्ट खर्च किया उसके ऊपर उससे काफी ज्यादा मांगी है। उसको पता है कि अगर वो दवाई लेकर नहीं आएगा तो उसकी वाइफ की जान चली जाएगी, इसलिए वो क्या करता है, वो वहीं इंतजार करता है जब उस मेडिकल स्टोर का शटर बंद होता है, उसके बाद वो मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर उसमें चोरी करता है, ठीक है? तो ये क्या है, हिंज जो है उसकी वाइफ बीमार है, ठीक है? उसको डेडली डिजीज है, ऐसा डिजीज है जो कि वो मर ही जाएगी, अगर उसका क्योर नहीं किया गया तो वो मर ही जाएगी। केमिस्ट के पास दवाई है, केमिस्ट नहीं देता है, हिंज क्या करता है, ताला तोड़कर चोरी करता है। और अपनी वाइफ की जान बचाता है। अब इसमें क्या होता है, कोहलबर्ग जब बच्चों के सामने ये सिचुएशन देता है तो जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो कम कम उम्र के बच्चे हैं वो तर्क देते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए,
चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर चोरी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, जो कम उम्र के बच्चे हैं वो कहते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, वो चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो छोटी उम्र का जो बच्चा है वो किस पे बात करता है? पनिशमेंट पे, कि अगर चोरी करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, जो एडोलोसेंट का बच्चा है, थोड़ा बीच के उम्र का बच्चा है, वो क्या कहता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, इससे रूल ब्रेक होता है। ठीक है, रूल, इससे रूल ब्रेक होगा, रूल ब्रेक होगा, लॉ जो है वो कहता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, तो इससे लॉ ब्रेक होगा, तो हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो उससे भी बड़ा बच्चा है, मतलब एडोलोसेंट से भी थोड़ा बड़ा, वो कहता है कि हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए, चोरी कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी वाइफ की जान चली जाएगी, वाइफ की जान बचाने के लिए, वाइफ की जान बचाने के लिए चोरी करना जरूरी था। ठीक है, तो इसी तरह से हिंज ने, ये कोहल वर्ग ने बहुत सारे सिचुएशन दिए बच्चे को, बहुत सारी स्टोरी सुनाई, उसके बाद बच्चों से पूछा कि इसमें उसको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, और बच्चों ने जो अपना तर्क दिया, बच्चों ने पहले बताया कि उसको ये करना चाहिए, ठीक है, जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, तर्क दिया कि पनिशमेंट मिलेगा, इसने कहा, इसने भी कहा कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसने क्या तर्क दिया कि कानून टूट जाएगा, लॉ ब्रेक होगा, और इसने कहा कि चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसको चोरी करना जरूरी, नहीं तो वाइफ की जान चली जाएगी। तो बच्चों ने जो जवाब दिया और उस जवाब के पीछे जो तर्क दिया, रीजनिंग दी, उसी रीजनिंग को बेस बनाकर कोहल वर्ग ने अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी। ठीक है, तो अब आपको मॉरल डेलिमा समझ में आ गया, मॉरल डेलिमा क्या होता है, मॉरल रीजनिंग समझ में आ गया, और किस तरह से कोहल वर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे कि कोहल वर्ग का नैतिक सिद्धांत जो है मॉरल डेवलपमेंट, उसमें कौन कौन से लेवल है और कौन कौन से स्टेजेज हैं, ठीक है, और किस स्टेज में क्या कहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।